अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अब क्योंकि ईद भी करीब आ रही है, तो जो है आजकल कोविड की भी सिचुएशन है, तो हर जगह से अवॉइड ही करना चाहिए। तो इसके लिए जो है सबसे अच्छा जो मैंने सलूशन निकाला है, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है वैक्स मैं खुद से कर सकूँ, इतनी पेन मुझे होती है, पेनफुल ये मुझे मेथड लगता है वैक्सिंग का, तो मुझे जो है हर किसी ना किसी से करवानी ही पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ट्राई किया, मैंने कहा आई क्यू ऑर्गेनिक की एक प्रोडक्ट एक ब्रांड है, तो उसकी सब चीज़ें इतनी अच्छी हैं, हेयर सीरम वगैरह भी, तो क्यों ना इसकी नई इन्होंने लॉन्च की थी पील ऑफ वैक्स, इस किस्म की पैकेजिंग में आती है ये, ठीक है। पील ऑफ वैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, न्यूली लॉन्च की है, तो मैंने कहा लेट्स सी इसको ट्राई करके देखते हैं ये कैसी है पील ऑफ वैक्स, क्योंकि अक्सर जो पील ऑफ वैक्स होती हैं वो ऐसी चिपकती हैं कि वो उतरने का नाम नहीं लेती है। पर्सनली मेरा अपना एक्सपीरियंस है हॉट वैक्स का कि वो ऐसी चिपकी कि मेरे लिए उतारना इतना पेनफुल था कि वो बस ना ही पूछें। है ये इस किस्म की वैक्स है कि इसके बारे में मैं हैर अभी आपको इसके प्रोज और कॉन्स इसके बताऊंगी क्या है, तो लेकिन पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा आपने इसे हॉट करना है, ब्राज़ीलियन पील ऑफ वैक्स का मतलब है कि हल्की सी ड्राई हो जाए और आप उसको या तो मोटी सी लेयर लगा के वैसे पील ऑफ कर लें, या फिर बिल्कुल बारीक सी थिन सी लेयर लगा के तो आप उसको किसी भी कपड़े से या किसी भी चीज़ से आप स्ट्रिप से रिमूव कर दें, ठीक है। पील ऑफ वैक्स वो होती है, अगर आपने ज़्यादा देर इसे चलाना है कि आपके हेयर ग्रोथ ज़्यादा ना हो, बिल्कुल बारीक सी और काफ़ी टाइम के बाद आए, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल बारीक सी लेयर लगा के किसी भी चीज़ के साथ तो उसे आपने स्ट्रिप की मदद से रिमूव कर देना। आप इसकी अब मैं इसके आपको प्रोज और कॉन्स बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट प्रो इसका क्या है, इसका आई क्यू ऑर्गेनिक की पील ऑफ ब्राज़ीलियन वैक्स का, कि इसकी कोई स्मेल नहीं है। आप अगर वैक्स कर रहे हैं किसी को कानों कान नहीं खबर होगी कि आपने वैक्सिंग की है। दूसरी, आप वैक्सेस गर्म करें, माइक्रोवेव करें, तो पूरे घर में बच्चे को पता चल जाता है कि वैक्सिंग हुई है, इस कदर उनकी उसकी टेस्ट स्मेल होती है। अच्छा जी, अब नंबर टू के ये 5 सेकंड के अंदर आपने इसे ऐसे ही पैकिंग में आपने इसे माइक्रोवेव में रख देना है और 5 सेकंड के अंदर ये इस्तेमाल के यूज़ हो जाएगी, काबिल हो जाएगी, ठीक है। 5 सेकंड बहुत ज़्यादा, 5 सेकंड ओ हॉट वैक्स, इसको गर्म करने बैठो करते ही जो और मिनट बाद गर्म करो, लेकिन ये आप करके 5 सेकंड अपनी पूरी नहीं तो हाफ, आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है, हाफ नहीं तो पूरी वैक्स कर सकते हैं, कोई मेस क्रिएट नहीं होगा। अब नंबर थ्री, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो उसके लिए मेरे तो अगर ज़रा सा कोई हो नील फौरन से पड़ जाते हैं, ठीक है, तो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, ठीक है, ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया सबके लिए। और नंबर फोर, अगर आपने इसकी थिन से थिन लेयर भी लगा दी है तो वो इजीली आप किसी भी स्ट्रिप की हेल्प से रिमूव कर सकते हो, हालांकि हॉट वैक्स ऐसे नहीं रिमूव होती, लेकिन ये हॉट वैक्स से ब्राज़ीलियन वैक्स ऐसी है कि आप इसे बिल्कुल अगर थिन लेयर लगाएंगे तो आपकी इजीली स्ट्रिप की मदद से रिमूव हो जाएगी और आपकी हेयर ग्रोथ भी कम हो जाएगी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करने से ये। और सबसे मज़े की बात यह कि इससे पेन ना होने के बराबर, जैसे कहते हैं बिल्कुल पेन नहीं, वो ना होने के बराबर, कि मुझे इस कदर वैक्सिंग की पेन होती है, मेरे नील पड़ जाते हैं कि मैं खुद से वैक्स नहीं कर सकती, ये वैक्स मैंने खुद से की है अपने, इवन के मेरे चिन पे बाल हैं, चिन पे, तो मैंने वहाँ से भी बिल्कुल थिन सी लेयर लगा के, थिन लेयर भी लगा के यूज़ की है और मोटी लेयर लगा के ना जिसे कहते हैं वो लगा के भी यूज़ किया, मुझे बिल्कुल पेन नहीं फील हुई, बहुत कहने के मज़े की वैक्स है ये। और अच्छा जी, अब इसके मैं आपको कॉन्स बताती हूँ, है तो ये बहुत अच्छी, लेकिन इसका कॉन्स या डिसएडवांटेज ये कह लें कि ये 300 ग्राम्स में आपको अवेलेबल है, ठीक है, और 1500 की आपको ये मिलेगी। अब अगर ये महंगी है तो अच्छी भी बहुत है, तो अगर आप सस्ते के चक्कर में पड़े तो आप कह लें कि उस ब्राज़ीलियन वैक्स के
साथ चिपक ही जाएंगे, वो आपके साथ क्या चिपकेगी, आप भी उसके साथ चिपक जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ, और अगर बाकी सब वैक्सीन का इतना मिस क्रिएट होता है कि वो अगर लग जाए कहीं पे तो उतारना मुश्किल है उसे, लेकिन अगर ये इसके जो ड्रॉप्स गिरते हैं थोड़े थोड़े से, वही डिसएडवांटेज मुझे एक नज़र आया कि वो ड्रिप की एक शेप में गिरते हैं, तो आप उसे अगर कपड़े से साफ करें वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। है ना मज़े की बात, अच्छी लगी ना वैक्स। मैं आपको सबको ये रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छी वैक्स है ये, आप सब ले सकते हैं। ठीक है एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट अच्छा मिले और आपकी हेयर ग्रोथ भी कम हो जाए और आप जो इतनी पेन वगैरह फील करते हैं जिनकी सेंसिटिव बहुत ज़्यादा स्किन है, उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि वो आईयू ऑर्गेनिक की ब्राज़ीलियन पील ऑफ वैक्स ज़रूर ट्राई करें मेरी रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो इसे आप, मैं तो रिकमेंड करूँगा अपने प्राइवेट एरियाज पे भी यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई पेन नहीं, नो पेन, यू फील नो पेन। ठीक है, और जो 12-13-14 साल की बच्चियाँ, अगर मुझे पता होता तो मैं जैसे जेल्स वगैरह यूज़ करते हैं, उससे ये कि एक तो आपकी स्किन भी ब्लैक हो जाती है और हेयर ग्रोथ पहले से भी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी यूज़ मत करवाएं। 12-13-14 साल की जो बच्ची हैं बिल्कुल भी यूज़ ना करें वो, बल्कि उनके लिए ये बेस्ट है। बाकी वैक्सीज बिल्कुल छोड़ दें, ये वाली वैक्स आईक्यू ऑर्गेनिक की ब्राज़ीलियन पील ऑफ वैक्स बहुत अच्छी है, और मैंने आपको अंदर से भी दिखाई थी, मैं आपको दिखा चुकी हूँ करते हुए, मैं आपको वैसे तो नहीं दिखा सकती, हाथ के लिए भी मैंने दिखाई थी, अंदर से दिखने में लगती है कुछ ये ऐसे, बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी स्मेल नहीं है इसकी, बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, बहुत ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने बना दी। ब्लूबेरी में इसका फ्लेवर है, सामने तो आपको नज़र आ रहा है सब कुछ, लेकिन स्मेल बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन पे आप ये ट्राई कर सकते हैं, बाकी जो भी फीडबैक आपने देना हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, और इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर फॉलो करें, और वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं अगर किसी भी चीज़ का आपने रिव्यू लेना हो, और उसके बारे में सब कुछ आप मुझे बता सकते हैं, और अपना इसके बारे में मुझे ज़रूर 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 फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप बिल्कुल बगैर किसी टेंशन के ये ले लो। ठीक है जी, अच्छा जी, आप मुझे इजाज़त दें और अपनी ईद की अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पर ना वैक्स अपने जो है ब्राज़ीलियन पील ऑफ वैक्स जो है 5 मिनट माइक्रोवेव में रख के 5 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख के मेल्ट कर ली है। तो अब मैं इसे नाइफ की मदद से, कोई भी रफ सी आप स्पैचुला ले लेते हैं, दे सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था, मैंने इन रफ से नाइफ ले के उसकी हेल्प से अपने हाथ पे ऐसे स्प्रेड कर रही हूँ इसे, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए वेट करूँगी, 5-10 सेकंड के लिए वेट करूँगी, जब ये ड्राई हो जाती है तो मैं इसको रिमूव कर दूँगी, ऐसे पील ऑफ कर दूँगी इस तरह से। अच्छा आपने थोड़ा सा ये मोटा रखना है ताकि इजीली आप पकड़ सकें और इसे ऐसे खींच के उतार सकें। तो ये देखिए कितनी नीट हो गई जहाँ पर मैंने लगाई थी, और दूसरा तरीका मैंने फिर से कट लिया, तो दूसरा तरीका जो है इसका बिल्कुल मैंने थिन सी लेयर लगाई है, और मैं एक सर स्ट्रिप की मदद से, वैक्स स्ट्रिप की मदद से, ये बाकी हाथ में मैंने कहा मैं लगा लेती हूँ, तो स्ट्रिप की मदद से मैं इसे रिमूव करूँगी, ऐसे बिल्कुल थिन लेयर लगाई। इससे ये होगा कि आपके थिन लेयर लगाने से, स्ट्रिप की मदद से जब आप रिमूव करेंगे ये पील ऑफ वैक्स ब्राज़ीलियन पील ऑफ वैक्स आईक्यू ऑर्गेनिक की, तो आपके हेयर ग्रोथ बहुत कम होंगे, बल्कि ना होने के बराबर होंगे। देखिए कितनी ईजिली ये रिमूव हो गई है। तो बाकी अगर ये देखें किस कदर अच्छा रिज़ल्ट है इसका, रिमूव हो गई है, तो